Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. जिन छात्र छात्राओं को पहली बार विश्वविद्यालय में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है उन सब का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करते हुए नए सत्र में इस विश्वविद्यालय परिवार और उन सब के भावी भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। यह विश्वविद्यालय तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर है। आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम पर दो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में संचालित हो रहे हैं। एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए इस नोएडा क्षेत्र में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बनी के पास स्थित कपिलवस्तु जो उनके राज्य का एक हिस्सा था, जो उनकी राजधानी थी, वहां पर स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तीन बातें उन्होंने कही थी, आप सब जानते हैं। सिद्धार्थ जब युवा थे, कहते हैं कि जब बचपन में उनकी मां ने राज ज्योतिषी को इस बारे में कहा कि हमारे पुत्र के भविष्य के बारे में बताइए, कहते हैं राज ज्योतिषी ने बताया कि यह सन्यासी हो जाएगा, घरबार छोड़ देगा, लेकिन एक महान विजेता बनेगा। तो परिवार के लोग चिंतित हुए कि यह तो युवराज है, यह अपना घरबार छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, राजपाट छोड़ देगा, इस व्यवस्था का संचालन कौन करेगा। उन्होंने एक युक्ति निकाली कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस राजमहल के दायरे के बाहर इन्हें न निकलना पड़े, सारी व्यवस्थाएं इस रूप में कर दी गई। सिद्धार्थ बड़े हुए, विवाह बंधन में बंधे, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परिवार के लोग इस बात को लेकर के आत्मविभोर हो जाते हैं कि अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में एक बात आती है कि मैं अपने राज्य को एक बार देखूं। वे निकलते हैं, विषय परंपरा को मानता है, कोई वैष्णव परंपरा को मानता है, कोई शाक्त परंपरा को मानता है, कोई तांत्रिक परंपरा को मानता है, कोई किसी एक परंपरा को मान सकता है, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं,
कोई सिर पर एक टीका लगाता है, कोई त्रिकुंड धारण करता है, कोई किसी अन्य रूप में